नमस्कार गुड इवनिंग दिस इज़ डॉक्टर राहुल मनचंदा एंड वे बैक अगेन विद अनदर वीडियो टुडे फॉर यू टुडेज़ टॉपिक इज हाउ फ्रीक्वेंटली शुड आई बी टेस्टेड फॉर एस टी डीज यानी कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कितने फ्रीक्वेंटली हमें इसके लिए टेस्ट करना चाहिए लेडीज़ को खासकर uh, और इसके बारे में हम क्या करें सो so, एस जैसे हम जानते हैं सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज हैं और ये जो होते हैं वो होते हैं जो कि सेक्स के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं इन्फेक्शन uh, होते हैं जो कि वजाइनल इन्फेक्शन होते हैं दैट कैन बी इधर वायरल इन्फेक्शन इट कुड बी अ फंगल इन्फेक्शन जो मोस्ट कॉमन होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है अब इसके लिए जो है टेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है मगर कोई ऐसा स्केड्यूल नहीं है सबसे पहली बात हमें क्या याद रखना चाहिए अगर हमारे सिम्टम्स हो रहे हो जैसे हमें इचिंग हो पजाइनल इंचिंग इचिंग हो वलवल इन्फेक्शन हो वलवा में इचिंग हो डिस्चार्ज हो रहा हो जो फाउल स्मेलिंग हो पेन हो रहा हो नीचे तो हमें टेस्ट करना चाहिए कि अगर हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और देखना चाहिए कैसे करते हैं ब्लड टेस्ट से करते हैं बाकी स्वाब्स होते हैं जो एग्जामिनेशन पे लिए जाते हैं आपके डॉक्टर्स अपने कैनोकोलॉजिस्ट वो आपके लिए करेंगे ये तो सबसे पहले अगर सिम्टम्स हो रहे हो तो ज़रूर टेस्ट करना चाहिए अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं या बेबी आपका फर्स्ट थ्री मंथ्स में जो है तो आपको इसके लिए एक ब्लड टेस्ट करने की ज़रूरत है कि आपको कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि वो बेबी को अफ़ेक्ट कर सकता है तो वो एक हम लोग टेस्ट करते हैं अगर आपको इसकी पहले कोई हिस्ट्री है ऐसे डिजीज़ होने की तो आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं जिन्होंने आपका इलाज किया वो आपको बताएंगे कि कितने फ्रीक्वेंटली आपको करना चाहिए जैसे पैप्समेर अगर आपका हुआ हो उसमें आपको जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस निकला हो तो उसको नज़र में रखने की ज़रूरत है फॉलोअप आपका इम्पॉर्टेंट है चाहे वो हर सिक्स मंथ्स में हो हर थ्री मंथ्स में हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको करना तो डिपेंडिंग ऑन योर हिस्ट्री डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स और योर कंप्लेंट्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट टेस्टेड एक चीज़ और इन्फेक्शंस जो हैं वो होते हैं ज़्यादातर अगर हम लोग इन दोज इंडिविजुअल्स ऑल्सो जिसमें डायबिटीज़ हो अगर आपको डायबिटीज़ हो तो इन्फेक्शन्स ज़्यादा चांसेस हैं आपको होने के अगर आपके पार्टनर में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हुई हो या हो या वो सिम्टम्स शो कर रहे हों तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका कि आप अपने आप को टेस्ट करें और दोनों पार्टनर्स को साथ ही इलाज कराना चाहिए ये इम्पॉर्टेंट है और उस समय में आपको इंटरकोस नहीं करना चाहिए आपको मिलना नहीं है क्योंकि नहीं तो ये फिर होने के चांसेस हैं आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सिम्टम्स हो रहे हो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डिस्चार्ज हो रहा हो या आपको पेन हो रहा हो या आपको इचिंग हो रही हो अगर आपको सिम्टम्स ना भी हो तो भी आपको इन्फेक्शन साइलेंट हो सकता है और वो साइलेंट इन्फेक्शन भी आपको जो है तंग कर सकता है इसीलिए दोनों पार्टनर्स को ट्रीट करना चाहिए और टेस्ट होना चाहिए और जब टेस्ट के रिजल्ट मिलेंगे तो आपके गाइनोकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको ज़रूर इसका इलाज और ट्रीटमेंट बताएंगे तो याद रखिएगा टेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है यंग इंडिविजुअल सेक्शुअली एक्टिव हों अगर उनको सिम्टम्स हो रहे हो अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या प्रेग्नेंट हो तो हर ट्राइम में हर तीन महीने में एक बारी हम लोग टेस्ट करते हैं जो हमारा प्रोटोकॉल बना हुआ है अगर आपको पहले इन्फेक्शन हो रखे हो या अगर आपके पार्टनर को भी अगर सिम्टम्स हो रहे हो तो भी आपको टेस्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि फिर आप हाई कैटेगरी में आ जाते हैं और आपको उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है आज के लिए इतना ही जरूर अमल कीजिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इफ यू थिंक वन ऑफ योर फ्रेंड्स विल लाइक इट वो वुड लाइक टू हैव दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ डू शेयर इट विद दैम टिल नेक्स्ट टाइम वी शल बी बैक विद यू विद अनदर नदर इंपॉर्टेंट टिप थैंक यू